वो भी कर रही है पूरा डार्क क्लास तो आपने मन करके लिखी है डार्क क्लास आप लोग भी बैठ जाएं डिस्टर्ब हो रहे हैं को लाओ एग्जांपल 5 So, it is given that two parallel lines PQ and RS. And now it is cut by transversal CD. AB से cut कर रहा है AB. और इनका ये angle bisector है. So, angle bisector में ये दोनों एंगल इक्वल है और इसका ये एंगल इसके इक्वल है इसका नाम है सी जी जबकि इस रे का नाम है बी ई ओके बी इतना दिया हुआ है तो हमें गिवन क्या है इफ ट्रांसवर्सल ये फिगर नहीं गिवन रहेगा इंटरसेक्ट टू लाइंस अभी आपसे जुड़वाऊंगा भी इंटरसेक्ट टू लाइंस क्या ये दो लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है ठीक है सच दैट बाइसेक्टर्स ऑफ पेयर ऑफ सच दैट bisectors of corresponding angles क्या ये corresponding angle है बोलो और ये क्या उनके bisectors हैं such that bisector of corresponding angles are parallel bisectors are parallel फिर से सुनो if a transversal intersect two lines such that bisectors of corresponding angles are parallel then the two lines are parallel repeat karo if a transversal intersects two lines such that the bisectors of the corresponding angles are parallel then the two lines are parallel very good beta bolo aap beta bolo कोई बात नहीं आप बोलो बेटा इतना काफी है बोलो आपके हिसाब से इतना भी बोलिए बहुत है हाँ बोलिए एक लगे इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस देन देन सच दैट अ बाइसेक्टर ऑफ द कोरिस्पोंडिंग एंगल इज इक्वल देन द टू लाइंस नो इक्वल की कोई बात नहीं है इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट आप बेटा बोलो कुछ छोड़ दिया है बैठो बोलो If a transversal intersect two lines, such that bisector of corresponding angles are parallel, then the two lines are parallel. ठीक है. If a transversal intersect two lines, such that the bisector of corresponding सर ये लाइन दी होगी खुद देखिए एंगल्स हाँ कुछ भी नहीं दिया हुआ एंगल्स आर पैरेलल देन द टू लाइंस कैसी होंगी आर पैरेलल तो हमें गिवन क्या है क्या पी क्यू एंड आर एस आर टू लाइन्स कट बाई ट्रांसवर्सल ए बी और क्या दिया है कि बी ई इज पैरेलल टू ये किसके पैरेलल है
BD is parallel to CG. बोलो और क्या दिया है? BE is angle bisector of angle ABQ. और बोलो CG. CG किसका एंगल बाइसेक्टर है ध्रुव? बोलो, रुक जाइए. CG इनको समझ भी नहीं आ रहा हुआ क्या रहा है, ये पता ही नहीं चल पा रहा ये पढ़ क्या रहे हैं, मतलब ये कुछ भी बोले जा रहे हैं. बोलिए अभिषेक. हैं आरएस है ना, तो इनके बगल में तो आप कहां से बोलोगे. हाँ बोलिए अक्षय. CG किसका एंगल बाई सेक्टर है? हाँ बोलो. बी सी एस. बी सी एस का ही तो बाई सेक्टर है, तो कह रहे ए बी. इस एंगल का बाई सेक्टर नहीं है ये. बी किसका बाई सेक्टर है? बी ABQ. CG किसका है? इतनी बात समझ में आ गई? अब देखो यहां तक बात समझ में आ गई. टू प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है कि PQ RS. कितनी बात समझ आ गई हमें? PQ को, हाँ PQ को किसके पैरेलल प्रूफ करना है? RS के पैरेलल प्रूफ करना है. अब जरा देखो, सर मैं कोई पूछना है. आप कह रहे हो कि ऊपर वाली चीज पर ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट दिया हुआ नहीं होगा, तो ये तो कोई एक्सियम थ्योरम भी नहीं है, तो क्वेश्चन में कैसे लिखा होगा कि ये भी लिखना है? नहीं ये है ना, ये दिया रहेगा, ये क्वेश्चन दिया रहेगा, इसलिए ना फिर ये करो. ठीक है, सिर्फ वो लाइन दी होगी, ये स्टेटमेंट दिया होगा. हाँ. इसके बाद ये रहेगा बनाना है, फिर ये करना. अभी देखो हम अभी आज आपकी सुविधा के लिए डायग्राम छोड़े देंगे. ओके. लेकिन कल नहीं छोड़ेंगे. लेकिन सुनिए, अब यहाँ पर आपके पास ये एंगल वन है, ये क्या है? और ये क्या है? थ्री और फोर. तो मुझे बताओ कि अगर इसमें ये और ये पैरेलल है तो क्या ये इनके करेस्पॉन्डिंग एंगल है? हाँ. कहीं आप ये तो नहीं समझ रहे हैं कि वन थ्री के इक्वल है? हाँ. भाई ये ना ही पैरेलल है, ये गिवन है. सो अब प्रूफ देखो, टू प्रूफ प्रूफ कि एंगल वन किसके इक्वल है? एंगल थ्री क्यों इक्वल है? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ पैरेलल लाइंस, कौन कौन सी पैरेलल लाइंस है? BE and CG, उन्हीं का तो corresponding angle है. बोलो, one इसके equal है कि नहीं? अब यहाँ पर और चीज देख लो कि क्या ये भी corresponding angle है? भाई दो parallel line है, ये parallel line है कि नहीं? BE किसके parallel है? बोलो, तो पूरा तो नहीं दिया तो इधर वाले का नहीं लिखेंगे. अब यहाँ पर एक बात कहो, one three के equal है? One तो three के equal है, लेकिन वन इज इक्वल टू टू, क्या ये गिवन है? बट एंगल वन इज इक्वल टू टू गिवन, और क्या गिवन है? थ्री इज इक्वल टू एंगल फोर, क्योंकि वो बोल रहा है कि एंगल बाई सेक्टर है, तो एंगल तो इक्वल है कि नहीं? क्रॉस क्रॉस के इक्वल है, इसके इक्वल. ठीक है, तो अब जरा देखिए, ऐसा होने से ये इक्वेशन फिर से. हाँ बोलो. मान लीजिए वो कह रहा है कि दो लाइन को अगर एक ट्रांसवर्सल कट करती है और सच दैट उनके एंगल बाइसेक्टर्स पैरेलल हैं, तो ये प्रूफ करिए कि वे दोनों लाइनें भी पैरेलल होंगी. हमें प्रूफ क्या करना है कि एंगल बाइसेक्टर्स अगर पैरेलल हैं तो प्रूफ करो कि ये दोनों लाइनें पैरेलल होंगी. Equal because if a transverse, if a sum of two adjacent angles
180 डिग्री तो वो पहले तो 180 कुछ नहीं है, वो कह रहा है बाइसेक्टर है तो 1 2 के इक्वल क्यों है? बिकॉज़ बी इज बाइसेक्टर ऑफ एबी क्यों? तो 3 4 के क्यों इक्वल है? बाइसेक्टर ऑफ, आप चाहे तो गिवन गिवन लिख दें तो पूरा भी लिख दें, क्या चीज आप चाहते हैं वो लिख दें, गिवन 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 ठीक है। अच्छा फिर से समझो, दो लाइनें हैं, दो लाइन पे ट्रांसवर्सल कट कर रही कि नहीं, और उसमें दो जगह हमने क्या बताया जरूरी है क्या कि वो इक्वली होंगे जहां से बाइसेक्ट कर रहा है, जहां से जहां जैसे अगर तो बाइसेक्ट कर रहा है तो दो एंगल फॉर्म जरूरी है, तो बाइसेक्ट का मतलब होता है इक्वल पार्ट्स में दो एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल है, ये दोनों एंगल इक्वल है, ये जरूरी नहीं कि ये एंगल इसके इक्वल हो, लेकिन अगर उसके बाइसेक्टर इक्वल पाए गए तो मान लो जैसे ये है एक लाइन, ये है और एक ये क्या है एलाइनमेंट, ये ट्रांसवर्सल है इंटरसेक्ट किया, इसका बाइसेक्टर बनाया इक्वल लग रहा है ना एंगल, इसका भी बाइसेक्टर बनाओ इक्वल लग रहा है, ये बड़ा लग रहा है या छोटा तो ये अलग इक्वल है, लेकिन ये लाइनें पैरेलल नहीं है ना, देख लो ये कहीं उधर जा रही और ये इधर जा रही, पैरेलल नहीं है ना, तो कभी भी ट्रांसवर्सल अगर नॉन पैरेलल लाइन को काटेगा तो उनके बाइसेक्टर पैरेलल होंगे क्या? तो कह रहा है जिसके बाइसेक्टर पैरेलल वे लाइनें भी पैरेलल, ये प्रूव करो जिसके बाइसेक्टर पैरेलल तो लाइनें भी पैरेलल, ये हम प्रूव करने जा रहे हैं, बोलो बात सही है। अब जरा देखो, कोई मुझे बताएगा कि क्या मैं एंगल इसमें दोनों में 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? अच्छा नहीं लगा, अच्छी बात। तो अब ये बात देखो कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस 3 भी लिखा जा सकता है कि नहीं? अगर चलो नहीं लिख सकती हो, ये सौम्या बोलेंगे क्यों लिख रहा है, ये दो बार लिख सकती हो क्या? अब जोड़ दो दोनों, जोड़ दो, ये तो 2 से मल्टीप्लाई करो, क्यों हाफ वाला नहीं कर सकते इसमें भी? मतलब यहाँ तक तो बात हो गई कि 1 इज इक्वल टू 1 है, तो अब 1 इज हाफ ऑफ दोनों को प्लस करने के बाद आएगा क्या? बस आप एक बार देख लो, किसी में दुगना करने, किसी ने तो एग्जाम बनाया किसी का दुगना भी डबल होता है, बोलो ये सही है? तो 2 टाइम्स ऑफ दिस को क्या 1+1 लिख सकते हैं? हाँ। और इसको 3+3 लिख सकते हैं, लेकिन अब 1 को क्या लिख सकते हैं? 2 लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि 1 2 के इक्वल है। हाँ। और 3 को क्या लिख सकते हैं? 4 3 + 4 तो 1+2 क्या हुआ, क्या ए बी क्यू? हाँ। तो आप डायरेक्ट भी तो लिख सकते थे, तो डायरेक्ट वाला मेथड हम यहाँ कराएंगे ना, जो सुपीरियर है वो पहले कराया जाता है, और फिर ये बी सी एस, बी सी एस ए बी क्यू किसके इक्वल है बोलो? यही तो बोलना था, बट डी करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, अब करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो तो एक्सियम बना हुआ है इसके, करस्पॉन्डिंग एंगल की कोई थ्योरम नहीं है, सो जब करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गए तो यहाँ क्या पी क्यू भी आर एस के इक्वल हो जाएगा? लेकिन देखो ना समझ में आया तो सौम्य की तरह करो, सौम्य के पास दूसरा बोलो 1 3 के इक्वल है। अच्छा 1 क्या ए बी क्यू का हाफ है? बोलो 1 देख लो, उसमें दो एंगल है दोनों बराबर है, तो क्या मैं इसे हाफ ए बी क्यू लिख लू? हाँ। और इसे हाफ बी सी एस लिख लू? अब अभी एक एंगल नहीं लगाते हैं, इनसे हम बार बार कहते हैं एंगल लगा दिया, अभी तक नहीं लगाया, 5 6 टेस्ट हो गए इनका,
फिर अलाउ नहीं करता है कि एंगल लगाए नहीं मैं नहीं लगाऊंगा तो बाय इक्वेशन 1 एंड 2 1 एंड 2 इतनी बात समझ आई अब हाफ में से 2 2 को हटा दें तो क्या ए बी क्यू किसके इक्वल होगा बी सी एस अब किसके आगे सृष्टि क्या लिखे बट दीज आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स मुझे तो एक्सियम 6.2 लगता है 3 है नहीं 4 है 3 है ब्रो देखो मेरा नया पेन ओह हां देखो कितनी मेहनती है हम सोचेंगे मोर कैसे बनाएगी लेकिन देखो अभी हमें मिला कितने ये ने पत्ता बनाया है पत्ता बनाया स्टार्टिंग से समझ लो सर आप ही लाइन छोड़ दो नहीं फिर ट्रांसफर से नहीं आ लाइन और डायग्राम दो ये तो छोड़ना ही पड़ेगा इसी सवाल इन दोनों का कौन सा वाला है या बस प्रूफ मिटा दो देखो लिखना है सर वो लाइन 4 है देखा देखा मैं बोल रहा था नहीं मेरी बात सुनो मेरे को आता है सर बैठो बैठो सर तो लास्ट वाले मेरी गलती है अकॉर्डिंग टू एस आई सर एक कोई मैंने सर ये सभी में मेडल से मेरा कलर चेंज उसमें उसमें मेरा फाइव है एंगल बाइसेक्टर साथ पैरेलल और हमको ये प्रूव करना है कि लाइन साथ पैरेलल ये प्रूव करना है एंगल बाइसेक्टर तो हमने ले लिया 1 3 के इक्वल क्यों है ये लाइन जा रही है तो अब ये तो ट्रांसवर्सल लाइन है और ट्रांसवर्सल लाइन में दो चीजें पैरेलल पाई गई कौन कौन सी पैरेलल पाई गई बोलो BE और CD तो जब दो लाइनें पैरेलल दी हैं तो क्या उनके करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल नहीं होंगे Y1 = 3 करेस्पॉन्डिंग एंगल्स तो क्या ऐसा जस्टिफिकेशन हमने कहीं लिखा अगर नहीं लिखा लिखा हुआ इतनी बात सही है और फर्दर हमको मालूम है कि 1 2 के इक्वल है बैठो बेटा सौम्या ठीक से बैठो पहले ठीक से बैठिए ठीक है अब 1 = 2 3 = 4 सो 3 = 4 तो दैट इज 1 2 के इक्वल है 3 4 के इक्वल है क्यों क्योंकि वो दिया है अच्छा अब मुझे बताइए 1 अगर 3 के इक्वल है तो 1 क्या एडी क्यू का हाफ है क्योंकि दोनों एंगल इक्वल हैं तो फिर ये आधा एंगल पूरे का तो हाफ होगा और बोलो 3 BCS का हाफ है आप कट गया तो ये आ गए तो बोलो अब ये दोनों एंगल क्या है एबी क्यू और BCS क्या ये करेस्पॉन्डिंग एंगल्स नहीं है तो किन्हीं दो कोई दो करेस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल हो तो वे दोनों लाइंस पैरेलल होंगी ठीक है क्वेश्चन हाँ बोलिए सर आप वो जो लाइन है वो छोड़ोगे एक में छोड़ोगे ये भी छोड़ेंगे और ये भी छोड़ेंगे गिवन ही छोड़ेंगे नहीं गिवन गिवन छोड़ दो आप नहीं सर यहाँ पे कल तो ये भी नहीं रहेगा सर क्यों नहीं डायग्राम तो रहेगा सर नहीं रहेगा क्वेश्चन नहीं है क्वेश्चन है सर डायग्राम सबसे पहले एग्जाम नहीं है सही है सर अकॉर्डिंग टू एग्जाम भैया हाँ हाँ गिवन अभी समझो गिवन में बता देता हूँ गिवन में लिखो BE इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ ABQ और CG एंगल बाइसेक्टर और CG इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ BCS और लिख दो AB ट्रांसवर्सल कट्स PQ एंड RS ठीक है देखो कितने लोगों से पूछवाया था गिवन प्रूफ क्या करना है प्रूफ क्या करना है PQ पैरेलल टू RS चलो बैठो अभी अभी मत पिटा रहे लास्ट वाली लाइन सिर्फ इस मूव वाला मैं चेंज कर रहा हूं ये दोनों लाइन है ठीक है पूरा कब लोगे तो इनाम है इतना ही करना प्रूफ में अगर लिखना ठीक है
क्या कह रही हो? गिवन में लिख दो तो इसके ये तो पैरेलल है, तो ये ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन पैरेलल मत देखो। हाँ बोलो बता दें। चलो बंद करिए कॉपी, डायग्राम बनाना है, स्टार्ट करो। 11 पे सुई कट जमा कर देना, 11 दैट इज 655 ओके बेटा, एक लग गया बुक में डी लिखा, डी ये डी है। चल नहीं क्वेश्चन है, देखो आंसर क्वेश्चन है, लिख दिया तो लिख दिया, तो ये नहीं लिखना है, छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए, हमें आंसर चाहिए। आप ये बनाइए कि मैं लिखिए से सोने का लुल्लुबी सॉन्ग नहीं सुना। लोरी लोरी चलो नाउ लेट अस सी दैट एंगल सम प्रॉपर्टी थोड़ी देर शांत बैठिए, डोंट मर्मर और डिस्कस म्यूचुअली। द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इस 180 डिग्री, इसे मैं प्रूव करना चाहता हूं। तो गिवन क्या है? ट्रायंगल PQR कितना ही दिया, और PQR के एंगल कौन कौन से? 1, 2, 3 नाउ प्रूफ देख, टू प्रूफ, प्रूफ क्या करना है? कि एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल्स टू 180 अब जरा देखो प्रूफ, प्रूफ में एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करो,
जो किसके पैरेलल होगी, पैरेलल डॉटेड होनी चाहिए। ड्रॉ ए बी पैरेलल टू ए बी पैरेलल टू क्यू आर। अच्छा वन टू थ्री है, इसे लिखिए फोर, इसे लिखिए फाइव। तो अमितेश मुझे बताइए फोर टू के क्यों इक्वल है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि जेड बन रहा है। अच्छा नेहा मुझे बताया फाइव थ्री के क्यों इक्वल है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। नाउ रूप मुझे बताइए कि एंगल फोर प्लस एंगल वन प्लस एंगल फाइव 180 क्यों है? बताते ही नहीं हो। सो एंगल्स एट अ पॉइंट ऑन अ लाइन। अच्छा मैं फोर की जगह क्या लिख दूं? टू और फाइव की जगह क्या लिखे? थ्री। तो 180। वैसे टू किसे कहते हैं यहाँ देख के बताओ? और वन पी को, थ्री किसे कहेंगे? आर। 180 क्या प्रूव हो गया है? चलो नाउ समझ आ गई बात? तो समझो मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली। लाइन ड्रॉ करने के बाद क्या ये एंगल इसके इक्वल पाया गया? ये एंगल इसके इक्वल पाया गया। अल्टरनेट है, इन तीनों का सम क्या है? बोलो फोर वन और फाइव का सम क्या है? क्या 180 नहीं होगा? बिकॉज दीज आर द एंगल्स ऑन ए लाइन एट ए पॉइंट। लेकिन फोर की जगह क्या मैं टू डाल दूं और फाइव की जगह थ्री डाल दूं क्योंकि ये इक्वल है? सर तो 5 की जगह 3, तो बोलो 1 2 3 का सम 180 आया सर। और 1 2 3 का इसी के एंगल है और 1 2 3 की जगह पी क्यू आर डाल दिए सर। सर ये 1 2 और 2 1 3 2 180 है, वो नहीं समझ रहा, वो तो ट्रायंगल है। 2 1 3 नहीं है, ये है 180। हां उसके नीचे तो 4 की जगह 2 डाला है ना, यहां देखो इक्वेशन किस वजह से डाला है? यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2। हां बोलिए सौम्या। एंगल फाइव से जेड बन रहा है। तो ऐसे जब कट करती है तो यही तो अल्टरनेट होते हैं। सर समझने के लिए पी क्यू आर भी एक्सटेंड कर। पी क्यू सॉरी क्यू आर से। वो अभी अगला थ्योरम है, पहले इसको समझो। ये समझ में आ गई बात की नहीं? सो बोलो समझ में आया? चलिए अब आगे की थ्योरम देखिए कि नेक्स्ट थ्योरम है 6.8। थ्योरम 6.8 कहता है इफ अ साइड ऑफ ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड, इफ अ साइड ऑफ ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड देन द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म देन द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म। जो इससे एक्सटीरियर एंगल बनेगा, मान लो ये ट्रायंगल है और इसमें किसी एक साइड को बढ़ा दो तो इस एंगल को क्या कहते हैं? क्या एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं कि नहीं? और अंदर वाले एंगल को क्या कहते हैं? इंटीरियर एंगल। सो एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल, इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। जरा देखो, इसे वन माना था, इसे टू माना था और इसे फोर मान लो। और क्या यही पी क्यू आर दिया था जिसको कि मैंने ऐसा तक एक्सटेंड कर दिया?
और अब हमें प्रूफ क्या करना है, गिवन ट्रायंगल PQR QR इज एक्सटेंडेड अप टू S टू प्रूफ, अक्षित हमें क्या प्रूफ करना है? सर ये जो पी क्यू आर है मतलब फॉर्म है उनके पी आर एस जो एक्सटीरियर एंगल है, पी आर एस क्या है एक्सटीरियर एंगल, वो किसके इक्वल है सम ऑफ इंटीरियर एंगल, यानी ये जो एंगल है वो इन दोनों के इक्वल हो रहा है, ये प्रूफ करना है। अच्छा प्रूफ देखो, ये मुझे बताओ कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 और प्लस एंगल 3 180 क्यों है सौम्या? सर वन उस वाले थ्योरम से क्या वो एंगल सम प्रॉपर्टी कहलाती है? हाँ। तो यहाँ लिख लें एंगल सम प्रॉपर्टी से, बोलो बात समझ में आ गई। अच्छा ये मुझे बताइए कि एंगल 3 प्लस एंगल 4 क्यों 180 है? और जब दो चीजें एक ही चीज के इक्वल होती हैं तो क्या वे आपस में इक्वल होती हैं? तो कंपेयरिंग तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 और प्लस एंगल 3 किसके इक्वल हो गया? एंगल 3 प्लस एंगल 4 और 3 और 3 कट गया, तो क्या 1 प्लस 2 4 के इक्वल हो गया? और 4 क्या है, क्या पी आर एस है? और 1 क्या है पी, और 2 क्या है क्यू, और ये क्या है पी आर एस, हेंस प्रूव्ड हो गया। अब बताओ कहां से बताएं, जहां से पाओगे बताओ, शुरू से समझो। शुरू में ये तीनों का सम क्या 180 है और इन दोनों का सम 180 क्यों है? अच्छा दोनों ही का जब इक्वल, इफ बोथ आर इक्वल टू सम सेम थिंग, आर दे इक्वल टू ईच अदर, 3 3 कट गया तो क्या 1 प्लस 2 4 के इक्वल हो गया? तो 4 का भी नाम लिख दिया और 1 और 2 का भी नाम लिख दिया। बोलो बात समझ में आ गई? ठीक है, अगर समझ में आ गई है तो वो रही थ्योरम और ये रही थ्योरम, बाकी आपका खेल है। सर नोट करना, नोट करो बोलो प्रूफ भी करना है, आप बोलो समझो, ये नहीं ड्रॉ कर ली 2 4 के इक्वल 5 3 के इक्वल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अच्छा बताओ 4 1 और 5 किसके इक्वल सम, चेक करो 4 की जगह क्या लिखो 5 की जगह क्या लिखो, ये ऐसा इक्वेशन 1 और 2 को इस्तेमाल करके किया गया और 1 2 3 की जगह नाम डाल दो। चलो अब जबकि आप लोगों को ये बात पता चल चुकी है, पर्ची तो फिर आपको पर्चियां दे दी, दोनों थ्योरम रहेंगी, सिर्फ ये रहेगा और फिगर भी छोड़ देंगे, फिगर और इससे ज्यादा क्या थ्योरम थ्योरम और फिगर छोड़ दे रहे हैं। ये तो हम इतेश को कहते थे सर प्रूफ छोड़ दो। कलर कलर चलो।
क्या है क्या नोट हो गया समझ में आ गई चलो शुरू करो ओके नाउ स्टार्ट